वेरी गुड मॉर्निंग इच एंड एवरीवन। तो हो चुका है सुबह। लिटरली बताओ गाइस कि आईफोन 14 कौन कौन खरीद रहा है या फिर लिया हुआ है। फिलहाल तुम पे आया हूँ। आईफोन 14 किसका किसका पास है, कौन कौन देख रहा है बता देना। आज की ब्लॉग इतना खास नहीं होने वाला, एंड इसमें जो मैं पहले रहता था उसका क्या है, उसका सीन क्या है, बहुत कुछ मतलब चेंज हो गया है। ठीक है, तो द थिंग इज दैट मतलब यहाँ पे इतना सारा मतलब आके देखा हूँ कि अजीब सा फीलिंग हो गया है। वीडियो तो बाद में बना लूँगा, फिलहाल तो हो चुका है 6:10। सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया था, ऐसे 4:10 बता दिया था, तो ऐसा वो नहीं है, मैंने फरवरी में बता दिया। एंड सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग एवरीवन ब्रास करता हूँ, उसके बाद वीडियो वो जारी रखेंगे आप सबके साथ। तो ब्रास करके हो गया, मैं मुंह उल्टा हूँ। ब्रास करके हो गया तो हेडफोन लगा लेता हूँ, क्योंकि इस तरह बिना हेडफोन का था वीडियो बहुत छोटा से आवाज़ आता है मेरा। ये पीछे जो देख रहे हो ये मैंने हम लोग मतलब एक साथ कम से कम 5-6 लोग मिल के बनाए थे और लगाए थे उस समय। एंड ये जो रूम देख रहा है ये सब यहाँ पे काम करने वाला लोगों का है, और इसको डोमिटोरी रूम भी बोलते हैं, मेंटिटोरी डोमिटोरी कुछ बोलता है इस तरह। एंड ये सीढ़ी एक है, ये ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं मतलब सड़क पे नहीं जाते हैं, ये जाते हैं ऊपर में कपड़े सुखाने, अगर आप कपड़े धोए होंगे उसको सुखाने के लिए। एंड घास देखो इतना बड़ा लंबा लंबा हो चुका है ये घास, तो हम लोग मतलब आज अगर हो पाएंगे तो घास काटने वाला मशीन को बनाने के लिए जाएंगे। उसके बाद ख़राब होके रखा है, तो जहाँ तक पता है कि वो बता रहे थे जो वेल है वेल फ्रेशर नहीं दे पा रहे ऊपर में, तो वेल का फ्रेशर नहीं दे पा रहे, तो उसकी वजह से वो मतलब मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है। स्टार्ट हो रहा है फिर बंद हो रहा है, तो इसलिए उसको चालू करने के लिए वो करना पड़ेगा, फ्रेशर देना पड़ेगा उसका। तो आज उसको मशीन को बना के ये घास काट देंगे, अभी तो इस तरह है, बाद में अलग ही दिखाई देगा। और इधर पीछे देख रहा है ये सब गैस का रूम है। गैस बोलने से कोई भी अगर जैसे मान लो कहीं से विदेश से आ गया आदमी लोग, उन लोग लिए ये स्पेशली रख देते हैं हम लोग। तो अगर कोई भी अगर यहाँ पे कुशीनगर पे आ रहा है और ये यहाँ पे बुकिंग कर रहा है, तो आप लोग बेहिचक मतलब मेरा वीडियो के जरिए हो मतलब मेरा कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर कॉन्टैक्ट ईमेल पे भी ईमेल कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे भी वो कर सकते हो, मेरा नंबर मांग सकते हो, या फिर ये मंदिर का ऑफिशियली ऑफिस का नंबर मांग सकते हो, मैं दे दूँगा। अगर कोई आना चाहे कुशीनगर घूमने फिरने के लिए तो उसके लिए वेलकम ऑलवेज। एंड मैं बता देता हूँ ये जो हॉल है, यह हॉल, अरे बाप रे, यह हॉल जो देख रहा है पीछे यह है डाइनिंग हॉल। इसमें अगर बड़ी तादाद पे अगर कोई वो आते हैं ग्रुप आते हैं तो खाना खाने के लिए इसमें, अभी फिलहाल क्या लाइट नहीं जा रहा है, ऐसे ऐसे भी दिखाई देगा शायद। ये देखो, ये देख रहे हो पूरा उठा के रखा है, और यहाँ पे खाना वाना खाटने के लिए आते हैं पहले, जैसे मान लो वियतनाम से हो गया, जापान से हो गया, कई जगह से हो गया। अरे यहाँ पे मिला बैनर लगा हुआ है भगवान क्या बोल रहे ले दारू नवा गुरु जी का है, और ये कोई है कैलाश मनेश्वरम की मुक्ति तिब्बत, अच्छा वो फ्री टीवी का वो मोमेंट है। ये देख रहे हो इंडिया का फ्लैग जय हिंद, और यह है हमने का तिब्बत का फ्लैग, और यह है गुरुजी का बैनर, और उसके साथ कोई होंगे मंत्री।
ऐसे ही है ये हॉल, जैसे पहले छोड़ के चले गए थे। मैं बता दूँ, मैं 1.5 साल के बाद यहाँ पे आया हूँ। 1.5 साल लिटरली, सोच के देखो 1.5 साल के बाद आने से क्या क्या बदलाव होगा। एंड अरे चलता हूँ इस वाली गली पे। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं बता देता हूँ, ये ग्रुप के लिए किचन है। जब ग्रुप आते हैं यहाँ पे खाना बनाते हैं। देखो ये जो नीचे नीचे देख रहा है ना, ये छोटा छोटा करके इसमें वो चूल्हा बिताते हैं, जिस तरह ये बिताया है। लेट्स सी, ये जो बिताया है, यहाँ पे कढ़ाई भी है, देखो कढ़ाई इसी तरह है। इसमें किचन है, ठीक है, इसमें किचन है और इसमें लोग खाना बनाते हैं आके। जो कोई भी नया आते हैं वो लोग आके खाना बनाते हैं। एंड क्या देखा हूँ आप लोग को, एंड उस तरफ कुछ बाकी है। और सब बताओ, आप लोगों ने कितने लोग है जो आईफोन लेने के लिए सोचा है पर मेरी तरह पैसा नहीं है? कमेंट करके बताना। और कोई भी अगर नया हो, नया आदमी देख रहे हो, या फिर आपने सब्सक्राइब किया है पर देखते नहीं हो, एक बार क्लिक करते हो देखते नहीं हो। देखिए भाई, किसी को अगर हेल्प करने से वो हो रहा है ना, किसी को अगर हेल्प करके अगर खुश हो रहा है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और किसी को हेल्प करने से क्या जा रहा है आपका, और सब्सक्राइब करने से भी आपका क्या जा रहा है? सब्सक्राइब कर दो दबा के, और लाइव लाइक का बटन है ना, उसको भी दबा देना साथ में। और ये देखो यहाँ का फूल, एंड द थिंग्स दैट मतलब अभी मेरा क्या बोलता है, अभी बसने वाला है 6:30। 6:30 बचा है, अभी तक तो कोई जगह ही नहीं, मैं अकेला ही जगह हूँ। और सबसे पहले तो गेट खोल लेता हूँ, एक वो है ना, एक यहाँ पे खाना बनाने के लिए आते हैं मुकलाल, वो आएगा तो गेट खुला नहीं रे मिलेगा। एंड ये देख रहे हो गेट, इसमें जो है मैं अभी जहाँ पे छरा हूँ, ये देखो कुछ इस तरह दिखता है दूर से। अभी देखो वहाँ पे, ये देखो एक दो दो एसी लगाया मेरा पीछे, वो इसी साल लगाया है, इसी साल शायद, हाँ, क्योंकि मैं जब तक उस समय नहीं थे। एंड यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मर जो बहुत वोल्टेज देते हैं। और ये पीछे जो देख रहे हो, ये है केरला का सब्जी। केरले का क्या बोलते हैं, हाँ हाँ केरले का, देखो कितना केरला आया है, मैं दिखाता हूँ। ये लाल वाला देख रहे हो, लाल वाला वो एक है, वो पक गया, ये थोड़ा आधा पका है, ये नीचे का लाल है, नीचे कलर नहीं, लाल भी नहीं, येलो कलर है, हाँ हल्दी रंग का है, और ऊपर का अभी तक ग्रीन और हल्दी मिक्स है। और ये एक है, यह अभी एकदम छोटा है, देखो ये बच्चा है अभी। और अभी तो फिलहाल कुछ है नहीं। ये देखो भिन का वो है, अभी ऊप रहा है, ऐसे छोटा है अभी, ये देखो भिन का बिन। एंड वेट गाइस, व्हाट आई सॉ, मतलब मैं यहाँ पे जब था उस समय यहाँ पे मिर्ची का फेर लगाया था 1.5 साल पहले, हाँ 1.5 साल पहले मिर्ची का फेर, मतलब फेर भी नहीं वो लगाया था। जैसे मान लो हम लोग का गांव से वो बीज आते हैं, मैंने बीज को मतलब यहाँ पे सिरक दिया था, फिर बहुत किया था, उसके बाद चला गया। तो उसका ये जो है, ये पीछे अभी तक है थोड़ा बहुत जिंदा। तो पूरा यहाँ का फेर बहुत थे, वो सब काट दिया क्योंकि धूप भी तो होना चाहिए ना कहीं, तो वो सब फेर काट दिया। काटने के बाद अभी ऐसे ही है, अभी इसको साफ सफाई करके अभी इसमें फिर वो खेत जोतना है, मतलब क्या क्या बता रहा हूँ। एंड ऐसे ये खेत जोतने के बाद हम लोग खुद
खाने के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे बात नहीं है कि हम लोग यहाँ पे खेत करने के बाद बाहर पे बिकेंगे, ऐसे नहीं है। जोतेंगे वो यहाँ पे खाने के लिए, हम लोग खुद खाने के लिए ही उसका वो होंगे, यूज़ होंगे। और ये पपाया का फेर पहले यहाँ पे बहुत बड़ा एक पपाया का फेर होता था, इतना मतलब एकदम देसी लोकल वाला, और कई सारा मतलब फल लगते थे एक साथ। लेकिन क्या हो गया, एक लड़का ने काट दिया, मैंने उसको मना किया था मत काटो, फिर काट दिया, क्या करें। फल देखो, फल जितना भी फल का सामान हो ना उसको काटना नहीं चाहिए, फल का अगर फेर होंगे तो उसको काटना नहीं चाहिए, मेरा सजेशन तो ये है मत काटो। एंड अभी इस तरफ जो है ये फ्रंट साइज का वो है, इधर इधर घास है, और यहाँ पे है गुआवा, गुआवा का फेर है ये ऊपर, मेरा ऊपर जो दिख रहा है ये गुआवा का फेर है। गुआवा भी आते होंगे यार। अच्छा, ये गुआवा का फेर है, मैं एक गुआवा आप लोग को डीमो दिखाता हूँ, वो ऊपर में लटका हुआ है, दिख रहा है, एक नहीं दो तीन है। ओ पूरी तरह से पक गया है, देख पा रहे होंगे। देखो वो एक छर गया है वो गुआवा, इसको आप लोग का लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, हम लोग का तो स्तूपा बोलते हैं, स्तूप भी बोलते हैं, स्तूपा भी बोलते हैं, हम लोग का बुद्धिस्ट का लैंग्वेज में आप लोग में क्या बोलते हैं, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आप लोग कमेंट करके बता देना आप लोग क्या बोलते हैं आप लोग का लैंग्वेज में। कोई अगर वीडियो देख रहा है तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे बहुत सारा चेंजेस हुआ है, जैसे एक दो साल पे ये भी है एक। और सेकेंड थिंग इज दैट दिस इज बटर लैम हाउस, एंड पहले हम लोग का बटर लैम हाउस वहाँ पे था, ऊपर जो देख रहा है अभी वो था, और ये सीरी भी पहले नहीं था, अभी लगाया है। एंड बटर लैम हाउस देखने को कुछ इस तरह का देखते हैं, देख लो ये बटर लैम हाउस है। तिब्बती का नियम में बटर लैम हाउस मतलब कोई अगर किसी का अगर मृत्यु हो गया उस समय उसकी आत्मा को शांति के लिए ये जलाया जाता है, बुद्धिस्ट नियम पे भी इस तरह होता है। लेकिन हम लोग का नियम में जब मराया जाता है उसका 1000 वो दिया जलाते हैं, जिसको 1000 का बत्ती बोलते हैं, तो उसी हिसाब से वो लोग भी दिया जलाते हैं। मतलब तिब्बती नियम में हम लोग का उस तरह का था, वो रुई का उससे मिला के कुछ घी मिला के उसे जलाया जाता है, एक जैसे मान लो बेम्बू का घर बना के। हम लोग का नियम में थोड़ा अलग है, लेकिन उन लोग का नियम में थोड़ा अलग है। ये देख पा रहे होंगे ये है स्तूप, ये भी है स्तूप। और अभी तो सच बोलूँ तो फिलहाल सभी लोग सो रहे हैं, और तीन लोग है मेरा अलावा, और तीन लोग है, तीन क्या और दो लोग है, यहाँ पे दो जगह है, वो लोग कुत्ता है, टोमी है और वो टाइगर। तो वो लोग देखो आवाज़, अगर मैं आवाज़ दूंगा ना वो भी आवाज़ करने लगते हैं, इसलिए मैं थोड़ा दूर जाके आवाज़ करूँगा। एंड फिलहाल सभी लोग सो रहे हैं, अभी तो समय भी तो इतना नहीं हुआ है ना, 6:00 अभी 6:40 हो रहा है, अभी 7-8 जग जाएंगे। एंड मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, अगर आप लोग यहाँ पे अगर घूमने के लिए या फिर फिरने के लिए आ सकते हैं, मेरे पास कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरा क्या बोल रहा है इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कम फॉर एज अ टूरिस्ट देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन इंस्टाग्राम एंड आई विल गिव यू द ऑफिशियल नंबर, ऑफिस नंबर आई कैन शेयर यू लाइक माई ओरिजिनल नंबर इन डिस्क्रिप्शन बिलो और एनीवेयर एल्स इन वीडियो, सो दैट आई हैव टू चेंज द माइंड, लाइक आई हैव टू डाइवर्ट योर माइंड। मुझे क्या करना है, आपको इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना है, उसका वहाँ से दे दूँगा आपका नंबर, यहाँ का नंबर। अगर घूमने के लिए आ रहे हो तो रूम बुकिंग के लिए हो तो दैट्स ऑल, दैट्स यू कैन फाइंड आउट अ प्लेस हियर। एंड आज के वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, तब तक के लिए मुझे विराम दे दिए, मतलब
थैंक यू सो मच एवरीवन जो भी इतना तक दिखा, एंड से यू नेक्स्ट टाइम एक तरक्ता बरकता वीडियो के साथ। और नेक्स्ट ब्लॉग पे मैं यहाँ का पूरा डिटेल बता दूँगा, अभी तो फिलहाल बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।